नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। यूपी के महाराजगंज जनपद में निचलौल तहसील क्षेत्र के डिगही गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक 15 वर्षीय बच्ची समेत दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दो लोग घायल हो गए, जिनका इलाज निचलौल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। आज सुबह से ही महाराजगंज जनपद में अचानक मौसम बदलते ही चमक गरज के साथ तेज बारिश होने लगी, जिससे डिगही गाँव में आकाशीय बिजली का कहर टूट पड़ा, जिससे एक 14 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। तो वहीं एक 44 वर्षीय व्यक्ति की खेत में काम करते हुए आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई, जबकि रोहतार गांव में दो लोग आकाशीय बिजली गिरने से घायल हो गए, जिनका इलाज निचलौल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। अपर जिलाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि आज आकाशीय बिजली गिरने से एक लड़की समेत दो लोगों की मौत हो गई है, वहीं दो लोग घायल हैं, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहा है। दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देवीय आपदा अंतर्गत दोनों परिवारों को 4-4 लाख रुपए की राहत का कार्य किया जा रहा है। सर, आकाशीय बिजली गिरने से कुछ कैजुअल्टी हुई है, क्या मामला है और प्रशासन द्वारा क्या मदद दिया जा रहा है? आज जनपद महाराजगंज की तहसील निचलौल के ठूठीबारी थाना क्षेत्र में दिगही गाँव में दो व्यक्तियों की आकाशीय विद्युत गिरने से मौके पर ही मृत्यु हो गई, जिसमें एक 14 साल की बच्ची है खुशी सिंह और 44 साल के व्यक्ति हैं रामप्रीत। इनको शासन द्वारा जो निर्धारित है दैवीय आपदा का 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति, उसको आज ही दिलाया जा रहा है, इनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है। मौके पर परिवार को सांत्वना देने के लिए और संवेदनशीलता व्यक्त करने के लिए तहसीलदार को भेजा गया है। मैनपुरी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक मैनपुरी कमलेश दीक्षित ने बताया कि कई समय से यह लूट करने वाला गिरोह सक्रिय था और अपने आप को क्राइम ब्रांच का बताकर लोगों से धन उगाही व लूटपाट करने का काम किया करते थे, जिसकी सूचना थाना कोतवाली पुलिस को दी गई तो थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए फर्जी क्राइम ब्रांच टीम की तलाश शुरू कर दी, जिसकी कार्रवाई के चलते थाना कोतवाली पुलिस ने क्राइम ब्रांच बताकर लूटपाट करने वाले गिरोह के दो सदस्य अमित शर्मा पुत्र श्रीनिवास खरगजीत नगर, पंकज यादव पुत्र उमेश चंद्र निवासी ब्योती खुर्द थाना कोतवाली को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जिनके कब्जे से लूट की गई दो मोटरसाइकिलें, एक पिस्टल, 10,000 रुपए भी बरामद किए हैं। इस गिरोह के सदस्य अपने आप को क्राइम ब्रांच पुलिस बताकर राहगीरों से लूटपाट किया करते थे और जनपद में कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर क्राइम ब्रांच पुलिस बताने वाले दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक मैनपुरी ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। आज ये दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, एक अमित शर्मा, दूसरा पंकज यादव। इनके बारे में काफी दिनों से जानकारी मिल रही थी कि ये जगह जगह जनपद में कई जगह इनके द्वारा अपने को क्राइम ब्रांच का बता करके और लूटपाट की घटनाएं कर की गई। इस संबंध में दन्नाहार में और कोतवाली में अभियोग भी पंजीकृत है। इनसे पूछताछ में यह भी जानकारी मिली कि ये आसपास के जनपदों में भी इस तरह की घटनाएं करते थे। इनके पास से दो मोटरसाइकिल, एक पिस्टल और लूटा गया 10,000 रुपया बरामद हुआ। अभी इनसे पूछताछ और किया जा रहा है, जिससे कि कहां कहां घटना कैसे किए हैं ये पूरी जानकारी हो सके। प्रदेश के बलरामपुर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनपद बलरामपुर में पुलिस उपाधीक्षक श्रीमती ज्योति की अध्यक्षता में ASTU SJPU मासिक समीक्षा बैठक पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार कक्ष जनपद बलरामपुर में सम्पन्न हुई, जिसमें एडिशनल CMO किशोर, न्याय बोर्ड संतोष कुमार गुप्ता, BSA ऑफिस से श्री मोहित देव, सर्वेश राठौर, महिला सेल चाइल्ड लाइन से सदस्य प्रिंस कुमार व रमेश कुमार, श्रीमती कविता पाल, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी व माननीय उप निरीक्षक श्रीमती ममता सिंह यादव प्रभारी ASTU जनपद बलरामपुर में, समस्त स्टाफ थाना ASTU आदि अधिकारी कर्मचारी गण सम्मिलित रहे, जिसमें महिलाओं बच्चों विशेषकर पास्को एक्ट, JJ एक्ट 363, 366 भादवी आदि से संबंधित विषयों पर गहन चर्चा की गई तथा महोदया द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक्य फाउंडेशन द्वारा संचालित GNM नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। पता FCI के सामने GT रोड एटा।
उत्तर प्रदेश में बिजली बकायेदारों के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ी योजना के तहत लोगों को बकाया मुक्त कराए जाने के लिए अभियान चला रही है। इसमें शामिल होने के साथ लोग बकायेदारी से मुक्त हो सकते हैं। वहीं ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा ने योजना के माध्यम से 20 लाख लोगों को लाभ दिलाने और इस योजना में शामिल होने वालों को 30-40% तक की छूट दिए जाने का भी दावा किया है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए जिनके पास बिल का बकाया है उनके लिए एक माह पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुमति से हम लोगों ने हमारे ऊर्जा विभाग ने एक बहुत ही अच्छी एक मुफ्त समाधान योजना लेकर आए हैं। ओटीएस मुक्त योजना है। इसमें वर्तमान स्थिति में 20 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो चुके हैं और 1500 करोड़ जो उसकी किस्त है कि वह भी जमा हो चुका है। यह योजना 3 दिन में समाप्त होने वाली है, इसलिए इन 3 दिनों में बड़ी संख्या में लोग शामिल हों। इस योजना के माध्यम से उनके बिल में 30-40% की छूट मिल रही है। उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए जिनके पास बिल का बकाया है उनके लिए एक महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से हम लोगों ने, हमारे विभाग ने, ऊर्जा विभाग ने एक बहुत ही अच्छी योजना लेकर के हम आए, एक मुफ्त समाधान योजना जिसको ओटीएस भी कहते हैं। उस योजना में वर्तमान स्थिति में 20 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हो चुके हैं और 1400-1500 करोड़ रुपया जो उसकी किस्त है उस किस्त के रूप में जमा हो चुका है। और यह योजना मैं आप सबसे बात विशेष रूप से इसलिए कर रहा हूँ कि यह योजना अब खाली 3 दिन में समाप्त होने वाली है, 30 तारीख तक ही है। तो आज, कल और परसों खाली ये 3 दिन ही बचे हैं इस योजना के पूर्ण होने में। इसलिए मैं आप सबके मार्फत जनता से अपील करना चाहूँगा कि इस योजना का लाभ उठाएं। लगभग 30-40% तक इस योजना का लाभ में शामिल होने के बाद उनकी बिल में राहत हो जा रही है। पूरा का पूरा जो दंडनीय ब्याज है और जो सरचार्ज है वो मुक्त हो जाता है। तो इसका लाभ ले लो। अंतिम 3 दिन है, अंतिम कुछ घंटे बचे हैं यूँ कह लीजिए, तो इसमें दौड़ करके शामिल हों और अपने परिवार का भला। फिल्म सलाम मोहब्बत की अभिनेत्री नीतू मौर्या ने अपने पैतृक आवास पर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपनी आने वाली फिल्म सलाम मोहब्बत को लेकर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। नीतू मौर्या ने बताया कि मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के वजीरगंज थाना के नैपुर मुरावन पुरवा गांव की रहने वाली हूं और मेरी फिल्म रिलीज हुई है सलाम मोहब्बत, जिसको लेकर मैं बहुत खुश हूं। मैं अपनी फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर संतोष कृष्णा धमोलकर का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे ये मौका दिया, इस लायक समझा। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंडस्ट्री में जा पाऊंगी। बचपन से सपना तो था, लेकिन मैं मुंबई गई और वहाँ पर मैंने एक ही बात सोचा कि मुझे टीवी पर आना है, एक अच्छा कलाकार बनना है। मुझे अपने गांव और जिले व देश का नाम रोशन करना है, अपने परिवार का नाम रोशन करना है। पब्लिक को पसंद आए क्योंकि ज़्यादातर भोजपुरी फिल्मों में थोड़ा पारिवारिक के साथ नहीं देख सकते हैं। हमारी ये फिल्म बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में लगने वाली है और पटना बिहार ऑल इंडिया में लगने वाली हमारी फिल्म परिवार के साथ बैठकर देखें। पूरी फिल्म साफ सुथरी है, लैंग्वेज भोजपुरी है, बट जो ये मूवी है ये एक हिंदी से, मतलब हिंदी को टक्कर देने वाली मूवी है। तो अभी तक जो हॉल में लगी हुई ये मूवी, जितने लोगों ने भी देखा है उनको बहुत पसंद आया है और हमारी मूवी अच्छी रिकवरी कर रही है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और ये भोजपुरी वालों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप भोजपुरी में अच्छी मूवी भी बना के लोगों को दिखा सकते हैं जो पब्लिक को पसंद आए, क्योंकि बहुत वल्गरिटी दिखाते हैं, बहुत बोल्ड चीज़ दिखाते हैं, वो ज़रूरी नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट अच्छा बनाइए, आपको पब्लिक पसंद करेगी, आप अच्छा कॉन्सेप्ट बनाइए और अच्छा मैसेज दीजिए। तो हमारी मूवी में ये मैसेज है, एक लव स्टोरी है, बहुत रोमांटिक और बहुत प्यारी मूवी है और फुल इमोशनल मूवी है। अब ज़्यादा तो मैं इस बारे में बता नहीं सकती हूँ क्योंकि वो आपको देखना पड़ेगा। तो बहुत जल्दी यूपी में लगने वाला है और ये पटना बिहार ऑल इंडिया में लगने वाला है, तो आप लोग जरूर देखिए। भोजपुरी में कुछ मूवी आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं, बहुत प्यारी मूवी है, क्लीन है एकदम, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके फ्यूचर का क्या प्लान है जैसे जी? अब इंडस्ट्री में आ गए हैं तो बस जितना आगे जा सकते हैं उतना हमारे लिए कम है। किसी बड़े एक्टर के साथ काम करना चाहती हैं जी? काम तो देखिए अब जहाँ हर एक एक्टर के साथ करना चाहती हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा रवि किशन के साथ मुझे करना है। रवि किशन मेरा फेवरेट एक्टर है, वो भोजपुरी हॉलीवुड और ये क्या बोलते हैं टॉलीवुड में भी, वो मतलब वो ऐसा एक मल्टी कैरेक्टर है कि वो कहीं भी फिट है, तो मैं उसके साथ जरूर करना चाहूँगी। थैंक यू। मेरा नाम है नीतू मौर्या। थैंक यू।
थैंक यू सो मच, थैंक यू दर्शकों, थैंक यू। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक्य फाउंडेशन द्वारा संचालित जीएनएम नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। पता FCI के सामने GT रोड एटा